नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है यूपी TET परीक्षा को लेकर के है। दिया गया कि 4 महीने की तैयारी पर अचानक ब्रेक। दोस्तों आप लोग जानते हैं कैब के चलते ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पूरे यूपी में धरना प्रदर्शन दंगे खूब हो रहे हैं, इस वजह से ये परीक्षाएं फिलहाल निरस्त कर दी गई हैं। इंटरनेट की हालत भी हर जगह बदतर है। बहुत जगहों में तो बंद कर दिए गए हैं इंटरनेट की सेवाएं और बहुत जगह इतनी स्पीड कम कर दी गई है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो उसी के चलते फिलहाल जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी में अचानक ब्रेक आ गया है। अब उम्मीद है कि ये यूपी TET की परीक्षा 19 जनवरी को कराई जाएगी, ठीक है। हालांकि आज कुछ समाचार मतलब टीवी चैनलों पर ऐसी बात आई है कि परीक्षा 19 जनवरी को होगी। ये आप इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है यूपी में TET की परीक्षा 19 जनवरी को होगी। यूपी की TET परीक्षा 19 जनवरी को। तो फिलहाल यहाँ पर अभी न्यूज़ आ रही है, लेकिन हालांकि अभी स्पष्ट रूप से शासनादेश नहीं आया है कि परीक्षा 19 जनवरी को ही होगी। हालांकि कयास यही लगाया जा रहा है कि 19 जनवरी को होगी, ठीक है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद करने पर सरकार से मांगी जानकारी। दोस्तों इलाहाबाद की बात है, आप लोग जानते हैं कल इलाहाबाद में भी जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बंद था। तो हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी। अधिवक्ताओं ने इंटरनेट सेवा बंद करने से होने से न्याय प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न होने की शिकायत मुख्य न्यायाधीश से की। इस पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने उस पर जनहित याचिका कायम करते हुए उसे 3 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। साथ ही राज्य सरकार व जिला प्रशासन से इस संबंध में जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि प्रयागराज में शुक्रवार को इंटरनेट सेवा की बंद कर दी गई थी। अधिवक्ताओं का कहना था कि इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण कोर्ट का कोई आदेश व निर्णय नहीं निकल पा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो फिलहाल इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट दी गई है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कि शनिवार 21 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवकाश घोषित। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शनिवार को 21 दिसंबर यानी आज प्रदेश के समस्त विद्यालय कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया है। ये जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी है, ठीक है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो दिया गया अंतर जनपदीय तबादले का आवेदन टल गया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं 20 दिसंबर से प्राइमरी में तबादले होने थे, इसके ऑनलाइन 20 दिसंबर से शुरू होने थे, लेकिन लखनऊ में कल इतना दंगे हो रहे थे कि जो NIC के कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी है, मुख्यालय ही नहीं पहुँच पाए। इससे इंटरनेट सेवाएँ बाधित होने के कारण जो प्रोग्राम मतलब शेड्यूल था पूरा वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि 23 से 24 दिसंबर के बीच ये आवेदन शुरू किए जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है, ठीक है। तो दिखा देते हैं आपको इसकी विज्ञप्ति भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है अंतर जिला तबादले का विज्ञापन जारी। इंटरनेट सेवा शुरू होने पर बेसिक शिक्षक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। तो विज्ञप्ति जारी हो गई है, लेकिन अभी इंटरनेट मतलब आवेदन इसके नहीं शुरू हो पाएंगे, ठीक है। तो कारण इसका यही है कि अभी जो हर जिलों से रिक्तियां का ब्यौरा आना था वो भी अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो फिलहाल 23 या 24 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। ये आवेदन हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पूरा ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है। अगली न्यूज की बात करते हैं। तो न्यूज है SSC CHSL 2017 को लेकर के। डाक विभाग में पोर्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के सर्वाधिक 322 पदों के लिए हुआ चयन। कुल मिलाकर के 5874 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL 2017 भर्ती का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है, ठीक है। इसमें 5874 बेरोजगारों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरी के लिए चयनित किया गया है। तो इसका रिजल्ट आ गया है, आप लोग इसका रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और SSC की वेबसाइट पर भी जा कर के आप ऑफिशियली रूप से चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पदों पर इसमें चयन हुआ है।
अब बहुत जल्द इनकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है। हालांकि जो रिजल्ट आया है ये कोर्ट के अधीन है, यहाँ पर दिया गया है आयोग नहीं है परिणाम। पेपर लीक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका संतनु कुमार बनाम अन्य के अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया है। कोर्ट केस की वजह से 9 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोका गया है। परीक्षार्थियों के नंबर जल्द आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के दिया गया। आज से शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शनिवार से शुरू होगी। अभ्यर्थी 21 से लेकर के 24 दिसंबर तक तैनाती के लिए ऑनलाइन विकल्प देंगे। 26 एवं 27 दिसंबर को डाटा की प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर 27 दिसंबर को ही कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे, उनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर पदकों के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयनित हुए 26 विषयों में से अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे। आयोग ने वैसे तो 31 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन काउंसलिंग फिलहाल अभी 26 विषयों पर ही कराई जा रही है। तो ये एक अपडेट हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग को लेकर के। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो पीसीएस को लेकर के अपडेट है। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को सांसद से लगाई गुहार। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 की परीक्षा में शामिल हो चुके ओवर एज हो चुकी है प्रतियोगी छात्रों ने दो अतिरिक्त अवसर की मांग की। उन्होंने शुक्रवार को फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल को ज्ञापन सौंपा पीसीएस 2020 और 2021 में परीक्षा में शामिल होने के लिए मांग की गई है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों ने शामिल होने की मांग की है। उनका कहना कि दो हमें अतिरिक्त अवसर दिए जाएं, इसके लिए फूलपुर की जो सांसद हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। ठीक है, अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर न्यूज है वो आप देख सकते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर के। दोस्तों आप लोग जानते हैं समस्त शिक्षकों की जब भर्तियाँ होंगी वो अब इसी आयोग के थ्रू होंगी। तो शिक्षक सेवा चयन आयोग जो विधेयक है वो पास हो गया है विधानसभा से। यूपी मंत्री वेतन भत्ता विधेयक पास हुआ, राज्य विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक पास, 51 की सभी सूचनाओं को स्वीकृत किया गया। तो 19 दिसंबर को ये शिक्षक सेवा चयन आयोग का जो विधेयक है वो पास हो गया विधानसभा से। ठीक है, अब आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही जल्दी प्रोसेसिंग होगी। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।